नमस्कार, सलाम, स्वागत। दो सूचनाएं हैं आप लोगों के लिए और दोनों सूचनाओं का संबंध पीएचडी की प्रवेश परीक्षा से। तो सूचनाओं को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत लंबे समय के साथ या कहूँ कि 1 से लेकर 3 महीने से ज़्यादा का आपने इंतज़ार किया है इस विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के देने के लिए। तो आया है लगभग 2 दिन पहले विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल, उसके बारे में करनी है आपसे बातचीत। 2 विश्वविद्यालय हैं, एक स्टेट स्तर का विश्वविद्यालय है, एक राज्य के सेंट्रल स्तर का विश्वविद्यालय है, ठीक है। और दोनों का ही संबंध उत्तर प्रदेश से है, इस बात का भी ख्याल रखिए। अगर पहले बात करते हैं पहले विश्वविद्यालय की, जिसका नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि वाराणसी में स्थित है, जिसके अनुसार 17 अप्रैल 2022 को 2 शिफ्ट में आप लोगों की प्रवेश परीक्षा होना तय किया गया है। 10 से 12 सुबह और 2 से 4 शाम को आपकी प्रवेश परीक्षा होनी है। और आज यानी कि 10 अप्रैल के दिन किसी भी वक्त विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का लिंक कभी भी डाल सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में दूसरा विश्वविद्यालय, उसका नाम मैं पहले बताऊं, परीक्षा केंद्र जो भी होगा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का वाराणसी में ही होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वेबसाइट पर प्रदान कर दिया जाएगा। दूसरा विश्वविद्यालय है BBAU, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। और इसकी प्रवेश परीक्षा 3 दिनों तक चलेगी और 3 दिनों तक चलने वाली प्रवेश परीक्षा को 2 शिफ्टों में रखा गया है, सुबह 10 से 12 और दोपहर में 3 से 5 बजे के बीच में। 23 तारीख को जो परीक्षाएं हैं उनका मैं आपको शिफ्ट और विषय बता देता हूं, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। 23 तारीख को सुबह की शिफ्ट में होने वाली परीक्षाएं यानी कि 10 से 12 बजे के बीच में, उनका नाम है PhD इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT, PhD इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली साइंस, और उसके बाद है केमिस्ट्री। 23 अप्रैल को ही 3 बजे की शिफ्ट में जो परीक्षाएं हैं उनका नाम है कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, एजुकेशन और फार्मास्यूटिकल साइंस। 24 अप्रैल को होने वाली प्रवेश परीक्षा सुबह की पहली शिफ्ट में, जिसका नाम है मास कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी एंड फिजिक्स। 24 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट 3 बजे से 5 बजे के बीच में, जिसकी प्रवेश परीक्षा होनी है, विषय है फूड एंड न्यूट्रिशन, बायो टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, सबसे महत्वपूर्ण लॉ यानी कि कानून विधि, इसकी प्रवेश परीक्षा है। अंतिम दिन है 25 अप्रैल, प्रवेश परीक्षा है 8 विषयों की और सबसे ज़्यादा बच्चे भी इन्हीं विषयों में पाए गए हैं। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स सुबह की शिफ्ट में 10 से 12 और सेकंड शिफ्ट होगी जूलॉजी, स्टैटिक्स, हिंदी, ह्यूमन राइट्स एंड मैनेजमेंट 2 से 5 बजे की शिफ्ट में। ये प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल है। एडमिट कार्ड 23 तारीख को आप विश्वविद्यालय के 23 तारीख से पहले लगभग 20 या 21 अप्रैल के बीच में विश्वविद्यालय की वेबसाइट से अपलोड कर सकते हैं। और जो सेंटर जो भी आपने दिया होगा उसका चयन आपको क्या दिया गया है, और ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय हो या लखनऊ विश्वविद्यालय हो, दोनों का ही एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। सेंटर पर आपको जाना होगा, OMR आपको शीट मिलेगी या CVT मोड पर होगा, इसकी जानकारी आपको विश्वविद्यालय पहुंचकर ही मिलेगी। और जो आपका एडमिट कार्ड होगा उस पर भी लिखा होगा एग्ज़ाम का माध्यम और मोड, और साथ ही साथ में अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते वक्त कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखिएगा। यदि कोविड का डिक्लेरेशन है यदि तो निकाल लीजिएगा, और नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपनी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एडमिट कार्ड को कलर या ब्लैक एंड व्हाइट कैसा भी निकालिएगा, और एक ID प्रूफ को साथ लेकर जाइएगा। इन बातों का ख्याल रखिएगा, बाकी बातें आपको जो नोटिफिकेशन है उसमें पढ़ने को मिल जाएगी। 2 पेज का नोटिफिकेशन है, 2 मिनट का समय दे दीजिएगा, नहीं तो नुकसान यूट्यूब विश्वविद्यालय और हमें तो नहीं, आपको ज़रूर हो सकता है। तो ये थी सूचनाएं आपको देनी थी। अब बात करते हैं काशी विद्यापीठ की फीस की प्रॉब्लम्स को लेकर, और उसके बाद CU SAT की बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।